एक नंबर बता दे। अच्छा ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था, इस व्लॉग में होने वाला बहुत बड़ा अपग्रेड अपनी बाइक पे, बहुत बड़ा मोड करने वाले हैं। तो जिसने पहली वीडियो देखी होगी उसे पता होगा क्या होने वाला था इस वाली वीडियो में। तो यस फाइनली भाई, हमारे एग्जॉस्ट आ चुके हैं, रेड रोस्टर एग्जॉस्ट सामने रखे हैं मेरे, दिखाता हूँ तुम्हें अभी। और इतनी मेहनत करके हम इनको लाए हैं ब्लू डार्ट से, ब्लू डार्ट के गोडाउन से उठा के हम इसको लाए, वहाँ से ढूंढ के जैसे तैसे सब डब्बों में से ढूंढ के, क्योंकि उनकी डिलीवरी डेट थी 2-3 दिन बाद की, पर हमें सबर नहीं हो रहा था। हम गए कल ही और कल ही हम उठा के लिया है इसको खुद से ढूंढ के सारा। तो अब तुम्हें दिखाता हूँ एग्जॉस्ट, उसके साथ एक चीज फ्री भी आई है हमारी, और अभी सब चीजें दिखाऊंगा तुम्हें। बाय द वे हमने वो थोड़ा बहुत खोल के देख लिया था, सब चीजें चेक कर ली थी, नट बोल्ट वगैरह सब सही आते हैं कि नहीं आते उसके साथ। पर एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, सही में नट बोल्ट अच्छे नहीं आते हैं, उन सबकी क्वालिटी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और हम अलग से भी लेके आए नट बोल्ट क्योंकि उनकी इतनी अच्छी नहीं थी और हमें काम चाहिए एकदम परफेक्शन का। तो यस हम अलग से भी लेके आए, वो भी सब दिखाऊंगा, पूरा इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा तुम्हें रेड रोस्टर का। अभी तुम्हें दिखा देता हूं बॉक्स उसका और जो चीज फ्री मिली है, और बाइक भी मेरे सामने खड़ी है। तो गाइस ये रहे सामने एग्जॉस्ट, RRP पावर एट प्ले करके आया है। ये इंटरसेप्टर 650 लिखा है इसके ऊपर, पर मंगाए मैंने GT के ही थे। अब आए ये कुछ नहीं कर सकते, दोनों सेम ही होते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने वेबसाइट पे दोनों अलग अलग क्यों दे रखे हैं, दे देते यार एक ही। और बाकी जो हमें इसके साथ गिफ्ट मिला वो ये टूल किट है, खोल के दिखाते हैं। अच्छी लग रही है ये टूल किट भी, मतलब पता नहीं यूज़ आएगी नहीं आएगी कभी, पर ठीक है। तो सामने हमारे मजदूर और अभी बाइक बाइक साफ कर रहे हैं, पूरा इंस्टॉलेशन दिखाएंगे तुम्हें। वो लगाया हमारा यहाँ का मजदूर आज का। क्या कर रहे हो भैया, थोड़ा अच्छे यहाँ पे जीप घुमाओ, यहाँ पे ऊपर स्प्रॉकेट भी जीप से साफ। ठीक है भैया, मेरे ठीक है भैया, 500 रुपये दे दूंगा तुम्हें भी। तो जाओ 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 बाहर बाहर बाहर। तो अभी एग्जॉस्ट वगैरह लगा के दिखा दे। और बाकी यहाँ पूरी टूल किट खुली हुई पड़ी हुई है इसकी, और ये कुछ अलग से बोल्ट हमने ला रखे उसके लगाने के लिए। अब तो मैं दिखाता हूँ उसकी अनबॉक्सिंग, डब्बा खोल के दिखाते हैं तुम्हें अंदर क्या क्या आता है। हमने बिल्कुल एकदम सफाई से पैक कर दिया, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा हमने खोले थे। अरे हमने नहीं खोले यार, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, तो खोल के दिखाता हूँ अभी। और देखो हम दोनों के पास मैचिंग बाइक तो रही नहीं है, मैचिंग बाइक चेंज हो गई है, पर टी शर्ट देखो मैचिंग मैचिंग पहनी है, कुछ तो मैचिंग होना चाहिए। तो आओ खोलते हैं दोस्त, अनबॉक्सिंग चलिए शुरू करते हैं। श्लोक शर्मा बनना चाहता था मैं, पर नहीं बन पाया, नहीं बन पाया कितने प्यारा लग रहे हैं। इसके ऊपर एक पॉलिथीन आती है पूरी, वो हमने उतार दी थी, यूज्ड है थोड़े से, पता नहीं यार किसने यूज कर लिए, थोड़े गोल्डन होने लगे। पर ये कलर देखो कितना प्यारा आ गया, ये यूट्यूब पे किसने नहीं दिखाया होगा अभी तक। हमने थोड़ा तुम्हें झूठ बोला, हमने थोड़े से यूज करके देख लिए थे रात में, पर धीरे धीरे जैसे तुम इन्हें यूज करते जाओगे तो ये जो गोल्डन फिनिश है ना यहाँ पे, ये एग्जॉस्ट की बढ़ती रहेगी और बहुत प्यारा लगेगा, ये गोल्ड हो जाएगा पूरा धीरे धीरे, पूरा नहीं होगा यहीं तक होता है एंड तक। बाकी इसके साथ एक आया कीचेन, इतना अच्छा नहीं है ठीक है। ये बोल्ट वगैरह आया इसके साथ, ये भी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इसका भी तुम्हें बताऊंगा। एक बोल्ट जो मेन इसका यहाँ वाला क्लैंप टाइट करता है वो हमने खींचते खींचते तोड़ दिया था, तो वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, इसलिए ये सारे हम अलग से लेके आए हैं, ये नहीं लगाएंगे, बाहर से अलग से लेके आए LNK वाले बोल्ट, सारे वो वाले लगेंगे, वो भी तुम्हें दिखाऊंगा। और ये जो इसकी शील्ड आती है ये भी इतनी अच्छी नहीं है, इनकी फिटमेंट अच्छी नहीं है, पता नहीं टेढ़ी मेढ़ी लग रही है ये भी। बाकी एक स्टीकर भी आया, ये भी ठीक ठाक है। पूरे बॉक्स में एग्जॉस्ट अच्छे है, बाकी और कुछ अच्छा नहीं है, तो यार इस पे थोड़ा काम करो ठीक है। तुमने एग्जॉस्ट तो अच्छे बना दिए, ये सब चीज़ें मेन ध्यान रखने की यही होती है, क्योंकि ये नहीं होगी तो ये कैसे अच्छे लगेंगे। तो यस अब तुम्हें दिखाते पूरा इंस्टॉलेशन इसके ऊपर, यहाँ ये एग्जॉस्ट हट जाएगा पूरा, अब इसको हटा के और ये वाला रेड रोस्टर तुम्हें लगा के दिखाते हैं। विद DB विदाउट DB दोनों तरह आवाज़ सुनाएंगे, स्ट्रेट पाइप आवाज़ नहीं सुनाएंगे। स्ट्रेट पाइप अगर तुम्हें आवाज़ सुननी है तो जाओ मेरा चैनल देखो, उस पर एक रील डाली हुई है मैंने, वहाँ पर सुन लेना। तो अभी हम एग्जॉस्ट खोलने वाले हैं, खोल के दिखाएंगे तुम्हें कैसे कैसे खोलेंगे। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था इसके नट पहले से खोल लेते हैं और इसको हाथ से खोल लेते हैं, नहीं खुल रहे टाइट है बहुत, देख के खोलना। एग्जॉस्ट निकल गया, ये वाली पत्ती लगेगी रेड रोस्टर पे, तो ये रखनी जरूरी है। नहीं नहीं ये खोल लो, ये किसी काम के नहीं, इनको फेंक दो उठा के। अरे यार मेरी बाइक कर दिया मेरा एंगल खराब। इसको कपड़े से एक बार साफ कर लेना अच्छे से लगाने से पहले। तो ये बेंड पाइप जो यहाँ पे खत्म हो रहा है इसको पूरा साफ कर लेना,
इसको साफ करने के लिए कपड़ा लाओ छोटू जल्दी। महंगा माइक्रोफाइबर क्लोथ जरूरी है इसके लिए। क्लीन इट, सारा एरिया अच्छे से क्लीन करके लगाना, हर एक बोल्ट पूरा एग्जॉस्ट सही से क्लीन करना है भाई। रेड रूस्टर परफॉर्मेंस प्ले एग्जॉस्ट पावर एट प्ले फुलारा ढिमकाना वेरी गुड। देखो ये किसी काम के नहीं है, इन्हें रख दो अलग उठा के। यही सजेस्ट कर दूंगा कि इसको फेंक दो, अलग से लेके आओ सारे बोल्ट तो अच्छे से लगाओ इसमें। बाकी एग्जॉस्ट सब देखते हैं कौन सी साइड लगेगा, ये भी देखना जरूरी है किस में कैसे। ये वाली जो पत्ती होती है फिक्स होनी है, दोनों में अलग अलग फिक्स होनी है, किस हिसाब से लगेगी वो भी देखना जरूरी है। तो यस आउट लगाते हैं। तो गाइस कल हमारे साथ ये हुआ, ये बोल्ट जो नीचे से क्लैंप को टाइट करता है ये हम टाइट कर रहे थे इसमें, तो एक तो जिंदा रह गया और एक खाली इतना बचा है। तो ये हालत हो रखी है इनकी, तो मैं सजेस्ट यही करूँगा भाई नए ले लेना, ये मत लगाना कि बहुत जल्दी टूटते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सारे ये एल की वाले बोल्ट लेके आ जाना, ये देखो दिख रहा है, तो यही सारे लगेंगे, लगने के बाद अच्छे से दिखाता हूँ। उससे पहले इसके ऊपर जो ये वाली पत्ती है ये लगेगी, इसको टाइट करना है। कुछ इस तरह लगेगा भाई, ये भाई ने परफेक्ट लगाया पहली बार के। तो एल की बोल्ट इसके लिए जो अलग से लाए थे वो वाले इसमें भी लगा रहे, फिक्स करने पड़ेंगे। एग्जॉस्ट लग गए पूरे, ये टाइट कर दिया, ये दोनों बोल्ट टाइट कर दिए, नीचे से ये भी टाइट कर दिया। अब लगेगी इसके ऊपर ये जो बहुत बेकार है हीट शील्ड इसकी, क्योंकि इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो पूरा सही से लग गया एग्जॉस्ट, डीबी किलर अभी लगे, डीबी की आवाज़ तो मैं सुनाएंगे, सबसे पहले डीबी के अंदर ही आवाज़ सुनाएंगे। और ये थोड़ा एडजस्ट करनी पड़ी है ऊपर नीचे में, तोड़ फोड़ के करनी पड़ी है अपने आप, और एल की वाले बोल्ट हमने इस पर लगा। अब तुम्हें थोड़ा एक क्लोज लुक दे देता हूँ इन सब का। तो गाइज डन विद द एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट हमने पूरी फिटमेंट कर दी है। और मैं तुम्हें ये वाले बोल्ट दिखा रहा था, ये हम बाहर से एल की के अलग लेके आए हैं, और नीचे वाला जो ये बोल्ट है ये भी बाहर से हमने एल की का अलग लिया है। तो ये ज़रूर से ले लेना, क्योंकि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जो इसकी तरफ से आते हैं। ये रहे इधर, ये इसमें नॉर्मल ये वाले बोल्ट आते तो ये इतने अच्छे नहीं है, मैं प्रेफर नहीं करता, यही वाले लगाओ। और एग्जॉस्ट देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी स्टार्ट करके दिखाते हैं बाइक को एक बार, आवाज़ सुनाते हैं तुम्हें विद डीबी किलर्स, इसकी आवाज़ सुनाते हैं। अभी डीबी किलर्स लगे हैं, बाद में डीबी किलर हटाने ही हैं, परमानेंट हटाने हैं, वो नहीं रखने। डीबी किलर के साथ मेरे हिसाब से आवाज़ अच्छी नहीं है, बाकी तुम कमेंट करके बताना डीबी के साथ रखने चाहिए बिना डीबी के साथ। तो गाइज अभी खाली कोर्स स्टार्ट दिया है डीबी किलर के साथ, अभी रैप नहीं करेंगे, सबसे पहले रैप नहीं करना चाहिए, पहले धीरे धीरे गर्म होने दो थोड़ा, क्योंकि ईसीयू भी एडजस्ट करेगा उस हिसाब से, बाइक नए एग्जॉस्ट लगे फ्री फ्लो हुआ है। तो यस थोड़ी देर में अभी रैप करके दिखाते हैं, फिर डीबी भी हटाएंगे। अभी दिखा देते हैं तुम्हें डीबी में रैप करके, तो हल्का सा रैप करो भाई, थोड़ा सा क्लोज लुक देता हूँ, पास से सुनना। तो गाइज अभी डीबी किलर हटा रहे हैं हम, कुछ इस तरह का डीबी दिखता है भाई इसका, तो इसको हटा कर देखते हैं आवाज कैसी आएगी। तो गाइज ये रेस की डीबी रिमूव कर दी हमने, होलो दिख रहा होगा तुम्हें वहां पे। अब विदाउट डीबी स्टार्ट करके दिखाते हैं, तो करो भाई छोटू जल्दी करो। बेस फील तुम्हें बहुत हो रही होगी यार इसकी, तो हल्का सा रैप करना। तो अभी थोड़ा तुम्हें क्लोज जाके दिखा देता हूँ, हल्के रैप में इतनी प्यारी आवाज है इसकी, तो अब थोड़ा ज्यादा रैप करके दिखाओ गाइस। तुम देख रहे हो पॉप्स एंड बैंग्स आ रहे हैं और भाई के कान खराब हो गए ऐसे सुन के, तो यस पटा के देखो कितने सही मार रही है ये। अभी मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉग पे, दिखाता हूँ तुम्हें एक शॉर्ट राइड पे जाएंगे हम, तो रोड पे कैसी आवाज़ आती है, गोप्रो में कैसी आवाज़ आती है, उसके लिए वेट करो थोड़ा। तो यस गाइज वी आर रेडी टू गो, एक छोटे से रन के लिए जा रहे हैं, बाकी बाइक बताना कैसी लग रही है, अब लुक कैसा आ रहा है इसका कमेंट करके बताना। रेड रूस्टर काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, और एक एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया,
ये तुम्हें यहाँ 66 BHP का स्टीकर दिख रहा होगा, ये भी साथ में आता तो हमने इस साइड में लगा दिया है। अब मिलते हैं तुम्हें हाईवे पे एक छोटे से स्पीड रन के साथ। हल्की आवाज तुम्हें यहीं पे सुना देता हूँ, आवाज ले लो GoPro में एक बार इसकी। ये खाली कितना, ये 3 RPM तक आवाज है। तो यस लेट्स गो। आवाज सुनो, बैक फायर सारे। और एक डाउनशिफ्ट बहुत प्यारा करती है, बहुत ज्यादा प्यारा। और यस, और ये बैकफायर्स ढूंढ रहा था भाई मैं किसी एग्जॉस्ट में। मतलब मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ भाई रेड रोस्टर से। टोटल हो चुके हैं 1943 किलोमीटर्स। मैंने कहा था सर्विस के 700 पे सर्विस थी, उसके 1000 किलोमीटर बाद एग्जॉस्ट लगने चाहिए, तो हमने 1200 ही कर लिए थे अराउंड, उससे पहले लगवाए नहीं। बैकफायर्स आ रहे भाई उस बाइक में, क्रेजी। देखो बैकफायर तो, ओहो बैकफायर्स भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत कम बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं है मेरे पास कोई वर्ड्स भाई इसके लिए। अच्छा जी फ्लाई बाय, एक नंबर पटाखे गाइस, एक नंबर पटाखे, क्या मजा आ रहा है भाई। और इन्हें देखो ये कहाँ पे चल रही है, मतलब इलेक्ट्रिक बाइक ली है तो भाई इस साइड में चलो ना, उस साइड चलने का क्या मतलब है, फिर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अभी एग्जॉस्ट की हीट साइकिल नहीं हुई है पूरी सही से, और अंदर कार्बन आएगा तो और ज़्यादा बेस बढ़ेगी, और एग्जॉस्ट जैसे ही ज़्यादा हीट साइकिल पे चला जाएगा ना तो इसकी आवाज़ और ज़्यादा प्यारी हो जाएगी। वर्थ इट है, इतने पैसे लगाया रेड रूस्टर में। बाकी अदर किसी ब्रांड के SS मोटोकॉप का मैं नहीं कहता, पर और बाकी सब मैंने देख रखे हैं खुद से। गुरसेवक में बेस ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे हैं, पर उनमें एक चीज़ नहीं है, ये जो इसमें बैकफायर आ रहा है गुरसेवक में ये बिल्कुल नहीं आते हैं। उसकी बेस अच्छी है, आवाज़ इससे बेटर है, थोड़ी सी थोड़ी रिच साउंड है उसकी, पर मेन चीज़ मेरे हिसाब से ये थी कि मुझे चाहिए थे बैकफायर्स बहुत अच्छे अच्छे क्रैकल्स जो मारती है। बाकी कुछ और पूछना चाहते हो तो यस DM में, इंस्टाग्राम अपने डाल रहा हूँ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय गाइस।